राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार ने सोमवार को सबको चौंका दिया। उन्होंने पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में अपने चाचा और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी शरद पवार की अप्रत्याशित रूप से तारीफ की। उन्होंने शरद पवार को अपना मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है। अजीत ने कहा, शरद पवार ने 25 साल पहले कांग्रेस की सोनिया गांधी की राष्ट्रीयता को लेकर एनसीपी की स्थापना की थी। मैं पार्टी का नेतृत्व करने और संगठन को शक्तिशाली नेतृत्व प्रदान करने के लिए उनका आभारी हूं। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो एनडीए का हिस्सा है लेकिन उनकी विचारधारा अलग है। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पार्टी को लोकसभा चुनाव में खराब रिजल्ट का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, मोदी कैबिनेट 3.0 में उनकी पार्टी को प्राथमिकता भी नहीं मिली है। अब उनके बदले रुख से कई अटकलें शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि जून 2023 में अपने चाचा से अलग होने के बाद अजीत पवार का पवार सीनियर की प्रशंसा में ये पहला बयान है। ये बयान लोकसभा चुनाव के नतीजों के कुछ दिनों बाद आया है। लोकसभा चुनाव में शरद पवार की एनसीपी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटें जीती हैं। अजीत की पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ एक पर जीत हासिल की। अजीत ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बताया कि एनसीपी ने नई एनडीए सरकार में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री का पद क्यों स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, हमारा तर्क है कि प्रफुल्ल पटेल लंबे समय तक यूपीए सरकार में कैबिनेट सदस्य थे लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। हमने भाजपा नेतृत्व को सूचित किया है, हम कुछ समय तक इंतजार करेंगे और एनडीए के साथ बने रहेंगे। 15 अगस्त से पहले राज्यसभा में हमारी ताकत 1 से बढ़कर 3 हो जाएगी। आपको बता दें कि भाजपा नेतृत्व ने अजीत को बताया था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, जिसके लोकसभा में 7 सदस्य हैं, को भी स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री पद देने की पेशकश की गई थी और उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अजीत ने साफ किया कि एनसीपी ने शिवसेना और बीजेपी से हाथ मिला लिया है लेकिन पार्टी की विचारधारा में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा, हमारी विचारधारा वही है, हम शाहू महात्मा फूले और डॉक्टर अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलते हैं। एनडीए के संविधान में बदलाव के दावों पर अजीत ने कहा कि विपक्ष गलत बयानबाजी करने में सफल रहा। उन्होंने कहा, यह गलत प्रचार था, ऐसा लगता है कि हम इसका मुकाबला नहीं कर पाए। आपको बता दें कि शरद पवार एनसीपी के संस्थापक हैं। जुलाई 2023 में अजीत पवार और कुछ अन्य पार्टी नेता से बगावत के बाद महाराष्ट्र की शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल हो गए थे। तब से लगातार अजीत पवार शरद पवार के खिलाफ बयानबाजी करते आए हैं। अलग होने के बाद से ये पहला मौका है जब उन्होंने शरद पवार की तारीफ की। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।